176 ओम, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी, आर रिक्वायर्ड टू कैरी व्हाट? आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 लाइन, 220 वोल्ट लाइन. फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ. फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू विल नेवर बी एबल टू डू द प्रॉब्लम. सो लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली नाउ. ओके, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड. मतलब वी हैव टू कनेक्ट 176 ओम के रेजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके, दिस इज पैरेलल 176 ओम, दिस इज वन मोर 176 ओम, दिस इज वन मोर 176 ओम. बट लाइक दिस हाउ मेनी, बट लाइक दिस हाउ मेनी, दैट इटसेल्फ इज द क्वेश्चन मार्क. Like this, how many register you should connect? Sir, aise kitne? How many? That itself is the question. That itself is the question. Ki how many like this registers we should connect? For what, sir? But for what? Are required to carry 5 ampere. Matlab, this circuit will have, see the way I am doing, this circuit should have 5 एम्पियर का करंट. दिस सर्किट शुड हैव 5 एम्पियर का करंट ऑन अ 220 लाइन. वोल्टेज इज 220. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी, दैट एन इज द क्वेश्चन. एन मतलब आई विल टेल यू, एन मतलब आने वाले दिनों में, इन द कमिंग डेज. व्हेन एवर द क्वेश्चन कम्स हाउ मेनी, वेदर इट इज मैथ्स और फिजिक्स, whenever how many comes, kitne comes, means we use the alphabet as n. We always use the alphabet as n. I think so in maths also you have done in AP. How many terms? See the relation. In maths I have done in AP. How many terms? And I tell n terms. N terms. Correct? Am I right? So kabhi bhi how many aaye to n we will write. Now what is the question? Question is, like this way, how many 176 ohms we need is the question. So that is pure ke andar dot 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 is pure ke andar totally together current should be 5 ampere. Oh ho ho, matlab do we know R or do we know R equivalent? Use common sense. This 176 ohm is R or R equivalent? You first tell me that. This 176 ohm resistor is R or R equivalent? I want to check your brain. Sir, this is R, not R equivalent. Very good. Sir, this is R, not R equivalent. R is 176 ohm. R equivalent, sir, Bhagwan jane. I don't know, but I know current is 5 ampere. Total current, obviously. Total current is 5 ampere and I know voltage is 220. So can I find out R equivalent first? Yes, sir. Sir, how do I find out? Are you know voltage, you know current. You can find out R equivalent. V is equal to IR equivalent. Current is 5 ampere. Sir, how do you know? Are diya hai. कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. मतलब सर्किट इज हैविंग 5 एम्पियर. सर्किट इज हैविंग 5 एम्पियर. दिस इज 220. दिस इज आर इक्विवेलेंट. 5 वन्स आर, 5 टूज आर, 5 फोर्स आर 20, कैरी फॉरवर्ड टू 44. ओहो, सर आर इक्विवेलेंट इज 44 ओम. सो दिस मच इज क्लियर दैट आर इक्विवेलेंट इज 44 ओम. ओके, सो व्हाट डू आई वॉन्ट? I want like this, how many R are there? Slowly, sir, we speak. I want like this,
हाउ मेनी आर आर देयर, इसके जैसे 176 के जैसे, 176 के जैसे लाइक 176, हाउ मेनी रजिस्टर आर कनेक्टेड. सर सो व्हाट, वी नो द फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 डॉट, भगवान जाने करेक्ट. ऐसे कितने तो डालते जाएगा, वी डोंट नो. सी समवन आस्क्ड मी लास्ट ईयर, सर फॉर्मूला इज 1/r1, 1/r2, 1/r3, बट सर यू आर राइटिंग आर 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 बिकॉज क्वेश्चन वाला टोल्ड, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन सेड दैट ऑल द रजिस्टर आर 176, दैट इज आर 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 आर. तो कैन आई राइट लाइक दिस, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन बाय आर. यही यही टफ पार्ट रहता है, यही टफ पार्ट है. देख बच्चे के मन में क्या डाउट आएगा, सर बट हाउ एन, हाउ डू यू नो एन इट इज. अरे बाबा दैट इज इट, यू आर फाइंडिंग इट आउट. एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल. सपोज पांच रहते, अज्यूम अज्यूम देर आर फाइव, तो वॉट यू वुड गेट, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो टोटल कितने आ गए, 5/r, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5/r हुए. तो ये 5 है कि 10 है कि 20 है, भगवान जाने. सो भगवान जाने, इट इज दैट, इट इज दैट इज वाई, दैट इज वाई आई रोट एन आर. अब तुझे समझ में आया, डॉट 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 डाल के है. नेक्स्ट स्टेप, वाई डिड आई राइट एन आर, ये तुझे समझ में आया. यही टफ पार्ट है, यही टफ पार्ट है बच्चा. सी दैट एन कैन बी व्हाट, दैट एन कैन बी एनीथिंग. अगर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन नाउ, अगर वो 10 होता, अगर ऐसे 10 होते तो 10/r आता, अगर 5 होता तो 5/r होता. भगवान जाने हाउ मच इट इज, दैट इटसेल्फ इज आर क्वेश्चन. तो 1/r इक्विवेलेंट इज 44, आई गॉट फ्रॉम हियर, इज n डिवाइडेड बाय r, r इज 176. कैन आई कैंसिल नीचे नीचे, यस, और टेक हियर एंड कैंसिल, 176/44 इज इक्वल टू n. यू डू द मैथमेटिक्स, यू विल गेट 4, 44 वन जा 44 फोर जा. सो ओ हो बोले तो लाइक दिस वे 4 176 रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड, लाइक दिस वे 4 176 वाला रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड, सो दैट आई विल गेट आर इक्विवेलेंट एज 44. इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? मतलब 176 कितने, सर 176 चार, 4 176 ओम्स रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू गेट दैट आंसर. क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ या ना तो बोल.